प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम उपदेश में पिक्चर श्लोक से अध्ययन करेंगे। जब चित्रगीव कबूतरों को लेकर हिरण्य के पास पहुंचता है तो वो ये श्लोक पढ़ता है, यस्य मित्रेण संभासो यस्य मित्र सं स्थिति यस्य मित्र संलाप ततो नास्ति है पुण्यवान। अनुय है यस्य मित्रेण संभास यत्र यस्य मित्र सं स्थिति यस्य मित्र संलाप यह तत पुण्यवान नास्ति। हिंदी अर्थ है जिसका मित्र के साथ वार्तालाप होता है, जिसका मित्र के साथ रहना होता है और जिसका मित्र के साथ रहस्य विचार होता है, उस पुरुष माने संसार में पुण्यशाली कोई दूसरा नहीं है। अथ पास बद्धाश्चेता दृष्टोस्य विश्वेषणम् स्थित्वा वाच। इसके बाद जाल में बंधे हुए उनको देखकर आश्चर्य साथ क्षण भर ठहर कर वह बोला, सके मित्र किमित्र यह क्या। चित्र की बोला, सके अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणा फलम एतत्, यह हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। यस्माच्च येन च यथाच यदाच यच्च यावच्च यत्र च शुभ अशुभम आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदाच तावच्च तत्च विदातु। यस्माच्च येन च यथाच यच्च यावच्च यत्र च सुभासु आत्मकर्म विदातु वसात् तस्माच्च तेन च तथा च तदाच तावच्च तत्र उपेति। अर्थ है जिस कारण से, जिस साधन से, जिस प्रकार, जब, जो, जितना, जहां पर शुभ अशुभ शम का कर्म होता है, विदात्रिवशा ईश्वर के बस से ये भाग्य की वस्तु कारण, उस कारण से, उस साधन से, उस प्रकार का उतना उस प्रकार का तब उतना वहां पर वो कर्म उपस्थित हो जाता है। रोग शोक परिताप बंधना व्यसना च आत्मा अपराध वृक्षाण फला नेतान। रोग शोक परिताप बंधन विषनान एतान च दहीन आत्म अपराध वृक्षाण फलाने संति। बीमारी दुख वेदना बंधन और विपत्ति ये सब प्राणियों के श्रम द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्षों के फल होते हैं, अर्थात शरीरधारियों को जितनी भी पीड़ाएं होती है वे सब उन्हीं के किए गए अपराधों के परिणाम है। सुनकर हिरण्य से मुषिक चित्रगीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति। ये सुनकर हिरण्य चूहा चित्रगीव के बंधन को छेद काटने के लिए शीघ्रता से पास जाता है। तब चित्रगीव कहता है, मित्र अमा मेवम करो, मित्र ऐसा मत करो, किंतु प्रथम अस्मात आसिताना एतेसा तावत पासान छिंदी, पहले अस्म हमारे आश्रित इनके संपूर्ण रूप से
पासों को काटो, मम पास पश्चाचे से थे, मेरे जाल को बाद में काटोगे। हिरण्य को पिया, हिरण्य भी बोला, अहम अल्प शक्ति दंताश्च, मैं कम शक्ति और दांत में कोमल, मेरे दांत कोमल है। तब एतेषां पाशौ छेत्तुं कथम समर्थ भवति, तब इनके पासों को काटना कैसे समर्थ होऊंगा। इसका यावत में दंता न तुटे थे तावत तो पासम छिंदी, इसका यावत जब तक मेरे दांत न नहीं टूटते तब तक तुम्हारे पासों को काट देता हूं। तो तदनंतर उसके बाद अभी मतलब यावत सक्यम छिंदी, उसके बाद भी इनके बंधन को यावत सक्यम जितना संभव है चेष्टामि काट दूंगा। चित्व अस्ति एव अस्ति ये अस्तु एव ऐसा ही हो तथापि तब भी यथाशक्ति बंधनों में इतना खंडे, तथापि यथाशक्ति इनके बंधनों को काटो। हिरण्यकेन उक्तम् आत्मपरित्यागेन यदा आसितानां परीक्षणं तत् न नीतिवेदिनां सम्मतः। हिरण्य ने कहा आत्म स्वयं का परित्याग के द्वारा यदाश्रितता जो आश्रितों का रक्षण है वह नीति जानने वालों के स्वीकृत नहीं, क्योंकि आपदर्ते धर्म रक्षित, आपत्ति लिखे धन यपि धारण, धन के द्वारा पत्नी रक्षण, धार यपि धन यपि आत्मा न सततम रक्षण, धारा के द्वारा भी और धन के द्वारा भी स्वयं की सफल रक्षा की जानी चाहिए। अन्य चोर भी धर्मार्थ का मुक्षाणाम प्राणाम संस्कृति हेतु तान निघंता किन हतम रक्षता किन रक्षित। अन्य प्राण धर्मार्थ का मुक्षाणाम संस्कृति हेतु तान निघंता किम न तम भवति रक्षता च किम न रक्षितम भवति। इन द्वारा प्राण धर्म अर्थ और काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की स्थिति के कारण इन प्राणों का विनाश करने वालों के द्वारा क्या रहा विनाश किया गया, और इन प्राणों की रक्षा करने वाले के द्वारा किसका रक्षण किया, अर्थात सब कुछ बचा लिया। कहने का तात्पर्य प्राणों की रक्षा होने पर ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव। और भी धनाने जीवितम चेव प्रार्थे प्रागुसृजिते सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। प्राज्ञ प्रार्थे एवं धनाने जीवितम च उत्सृजेत विनाशे कृते सति सन्निमिते त्याग वरम। अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति उचाहिए कि वह परोपकार में ही अपने धन और जीवन का उपयोग करे, क्योंकि धन तथा जीवन का नाश कभी ना कभी अवश्य होगा, इससे सत्कार्य में लगाना अच्छा है। अयम परश्च असाधारण हेतु, और यह भी दूसरा मुख्य कारण है। जात्र द्रव्य बला नाम चाहे साम्यम ऐसा मयास है मत प्रभुत्तम फलम भूई कदा किम तद भविष्यति। अन्वय मया से ऐसा जाति दर बुलानाम च साम्यम अस्ति तद भूई मत प्रभुत्व फलम किम कदा भविष्यति। अर्थ है मेरे साथ इन कबूतरों की जाति संपत्ति और शक्ति में तो समानता है, ऐसा अनुभव पर तुम ही कहो कि फिर मेरे स्वामी होने का फल क्या और कब होगा, अर्थात फिर तो मेरा स्वामी या राजा होना व्यर्थ गया। अन्य
बिना वर्तनम एवेति न त्यजन्ति ममान्तिकम् तन्मे प्राण वेनेनापि जीवैतात्ममात्सा एवेति वर्तनम बिना मम अन्तिकम् न एव त्यजन्ति तत्मे प्राण वेने अपि एतात्ममात्सा जीवे अर्थ ये सब कबूतर वेतन नहीं लेते वो फिर भी मेरे साथ नहीं छोड़ते इस कारण तुम मेरे जीवन के बदले भी इन मेरे आश्रितों के प्राणों को बचाओ किंच मांस मुत पुरुषा अस्ति पूरते अत्र कलेवरे विनिश्वरे विहाय आस्था विषय पालय मित्र कहा गया है कि मित्र मांस मूत्र ऊर्षा अस्ति पूर्ते विनिश्वरे कलेवरे आस्था विहाय में यश पालिय इंद्र हे मित्र तुम मांस मूत्र मल और हड्डियों से परिपूर्ण विनाशित इस शरीर में ममता को छोड़कर मेरे यश की रक्षा करो अर्थात मुझे इस यज्ञ से बचा लो कि चित्तगीव ने अपने आश्रितों की रक्षा नहीं की अपरंच पश्य और भी देखो यदि अनित्येन मलवाहिनां कायेन नित्य निर्मलम् विषय लभे न नु तत् किं लब्धं न भवेत् यदि सदा न रहने वाले मल मूत्र को धारण करने वाले इस शरीर से चिरस्थायी और स्वच्छ कीर्ति प्राप्त की जाए तो सचमुच में इसे कौन सी वस्तु प्राप्त की हुई नहीं अर्थात फिर तो सब कुछ मिल गया यह तो क्योंकि शरीर से गुणानाम च दूरम अत्यंतम अंतरम शरीर क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायी अनुगुण अन्वय शरीर से गुणानाम च अंतरम अत्यंतम दूरम शरीरम क्षण विध्वंसी गुणा कल्पांत स्थायी शरीर और गुणों का अंतर वो तो देखे अथा दोनों में महान भेद है क्योंकि शरीर तो कभी भी नष्ट क्षण नष्ट होने वाला है और गुण प्रलय तक विद्यमान रहने वाले इति आकरण एणे प्रेष्टमना पुलकेशम अब्रवीत ये सुनकर हिरण्य संतुष्ट मनवाला होकर संतुष्ट मनवाला और रोमांचित होकर बोला साधु मित्र बहुत अच्छा मित्र साधु अच्छा अनेन आसित वास्तव ने तेलो कश्यप प्रभुत्म तो युज्यते अनेन आसित वास्तव ने इस अनुजीवियों के प्रति अतिशय स्नेह के कारण त्रैलोक्यापि त्रिलोकिका भी प्रभुत्तम स्वामित्व त्वयुज्यते तुम्हारे लिए ठीक है एवं उक्त्वा ऐसा कहकर तेन सर्वेषां को बोतान बंधनानि छिन्नानि उसने सभी कबूतर बंधनों को काट दिया तो हिरण्यक सर्वान साधन संपूज्या इसके बाद हिरण्यक ने सबको सादर आदर के साथ पूज कर कहा सके चित्रगेव मैं चित्रगेव सर्वथा अत जाल बंधन विधौ सती दोष मासक के आत्मज्ञ न कर्तव्य सर्वथा सब तरह से यहां जाल बंधन पास से बंधन युक्त होने पर दोषम आसन के अपराध को सोचकर आत्मनिवज्ञ अपने आप में तिरस्कार नहीं करना चाहिए इसे क्योंकि यो अधिकात योजन सतात पश्यति यहां मिशम खग स ये प्राप्त कालस्तु पास बंधनम न पश्यति ये खग योजन सतात अधिकार आमिषम पश्यति स एव प्रातः काल
तो पास बनना क्वेश्चन। इस श्लोक में जो बाह्य पक्षी 100 योजन से भी अधिक दूरी पर स्थित अपने भोजन मांस को देख लेता है, वही समय आने पर तो अपने जाल के बंधन को भी नहीं देख पाता, अर्थात जब उसका काल आता है तो इतने दूर से देखने में समर्थ पक्षी अपने पास वाले जाल के बंधन को देखने में असमर्थ हो जाता है और पास में फंस जाता है। अपरंच और भी शशि दिवार करियो ग्रह पीड़नम गज भुजंग भुजंगम भुजंगम मयूर अपि बंधनम मति बताओ जब विलोक के देता विधि हो बलवान इति में मत। अनुय शशि दिवा करो ग्रह पीड़न गज भुजंगम भुजंगम मयो अपि वंदन मति मता दयता विलोक के हो विधि बलिवा। इंडिया सूर्य वो चंद्रमा को राहु ग्रह द्वारा पीड़ा पहुंचा जाना, हाथी और सर्प को भी बांध लिया जाना तथा विद्वान और दलित होना, इन सब को देखकर आहा प्रारब्ध बड़ा शक्तिशाली होता है, ऐसा बुद्धि में आता है। अन्य चोर व्योम व्योमय कांत विहारिणोपि वेगा संप्राप्नुवन्ति आपदं बध्यन्ते निपुणै अगास्तदिदां तस्य समुद्रात् दूरीतं किमास्ति किं सुचरितं कैस्तान् लाभे गुणः कालो हि विष्णु प्रसारितो करो गृह्णाति दूरादपि। अन्वे व्योमय कांत विहारेण भिखगा आपदं संप्राप्नुवन्ति निपुणै अगास्तलीला समुद्रात् अपि मत्स्य बध्यन्ते यह किम दुर्नितम अस्ति किम सुचरितम स्थान लाभे के गुण ही विष्णु प्रसारित करे काल दूरा प्रति जन। और देखो एकमात्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी आपत्ति को प्राप्त होते हैं। होशियार व्यक्ति गहन जल वाले समुद्र में मछलियों को बांध लेते हैं। यहाँ क्या बुरा है और क्या अच्छा है तथा उत्तम स्थान मिलने पर भी क्या लाभ, क्योंकि उसने आपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर यमराज प्राणी को दूर से ही पकड़ लेता है। इति प्रबोध्य आत्यम कृत्वा आलिंगन च तेन संप्रेषिति चित्र की वो अपिसा परिवार यथेष्ट देशान ये हिरण्य को भी सर्वरूप यो सांत्वना देकर अतिथि सत्कार करके आलिंगन और आलिंगन करके भेंट कर तेन उस हिरण्यक के द्वारा संप्रेषित चित्रगिरु अपी विदा किया गया चित्रगिरु भी सपरिवार अपने परिवार के साथ यथेष्ट देशान अपने किसी स्थान को यो चला गया। हिरण्य को विश्व विवरण प्रविष्ट है, हिरण्यक भी अपने विवरण में चला गया। यानी कानी च मित्राणी कर्तव्य सताज पश्यक मूसिक मित्रन का पोता मुक्त बंद। यानी कानी सतानी मित्राणी च कर्तव्यानी पश्यक पोता मूसिक मित्रन मुक्त बंद। मनुष्य को छोटे या बड़े बहुत से मित्र करने चाहिए। देखो कबूतर चूहे मित्र के द्वारा अपने बंधन से मुक्त हो गए। अत लघु नामक काका सर्वृतान दृष्टि शास्त्रम इदम महा। इसके बाद लघुपत नामक कव्य ने सर्वृतान दृष्टि सारी घटना को देखने वाला साश्चर्य आश्चर्य ये कहा अहो हिरण्य के सलाघ्योशी हिरण्य प्रशंसा का पात्र अतो हम भी तो मैत्री कर तुम इच्छा में इसलिए मैं भी उसके साथ मैत्री करने के इच्छुक हूँ। अतः तुम माँ मैत्रण अनुग्रह तुम अहर्षि इस कारण तुम मेरी मित्रता को कृतकृत्य करने के योग्य हो। ये तत्सुत्वा हिरण्यकोपि विभ्रा व्यंत्रादाह ये सुनकर हिरण्यक भी बिल्कि विदय कस्तो कौन से अवृते होगा। लघुपत नामक वायसो मेरे लघुपत नामक कौआ हिरण्यकोपि वैश्या का तो ऐसा मैत्री तुम्हारे साथ कैसी मैत्री ये